हाय फ्रेंड्स, गर्वलॉजी गपशप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आप ही की होस्ट भूमिका। आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी नहीं, एक DIY लेकर के आई हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही हमेशा बरसाते रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक स्किन बेनिफिशियल टेक्निक, कह सकते हैं हम। ये चाइना की फ्रेंड्स एंशियंट टेक्निक है। चाइना में ये बहुत पहले यूज़ की जाती थी। इस टेक्निक का नाम है गुआ शा। यस फ्रेंड्स, गुआ शा। ये हमारी स्किन को यंगर बनाती है, हमारी एज को 5-6 साल पीछे ले जाती है। यस फ्रेंड, आपने देखा ही होगा चाइनीज़ लोग कितने यंग लगते हैं, काफ़ी एज के बाद भी, ओल्ड एज में भी उनकी स्किन काफ़ी अच्छी होती है, यंग दिखते हैं वो लोग। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये एंशियंट टेक्निक है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए खोज के लाई हूँ इस टेक्निक को। तो ये हमारे स्किन से ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, हमारे मूव्स करती है, लिम्फ को मूवमेंट देती है, लिम्फ को हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, फर्म करती है हमारी मसल को, एक्सफोलिएट करती है हमारी स्किन को और यंगर टाइटनेस लेके आती है हमारी स्किन पर। अब देखिए फ्रेंड्स मेरी स्किन, कैन यू सी, हमारी स्किन को यंगर बनाती है, फेस लिफ्ट करती है एक्चुअली हमारी स्किन का, जो हमारी स्किन में रैशेज पड़ जाते हैं और भी जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म कर देती है। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक के लिए मुझे अपने फेस को वॉश करना पड़ेगा और बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा, नो मेकअप एट ऑल। सो मैं अपने फेस को क्लीन करने जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ वापस। सो मैं वापस आ गई हूँ अपना फेस क्लीन करके। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पर एक लिपस्टिक लगाई है और एक टोनर अप्लाई किया है, बिकॉज आफ्टर वॉशिंग माई फेस आई ऑलवेज अप्लाई अ टोनर। मैंने रोज़ टोनर का यूज़ किया है, मैं बायोटिक का कुकुम्बर टोनर और रोज़ टोनर दोनों ही यूज़ करती हूँ, कभी ये कभी वो, लाइक दैट। तो व्हाट वी नीड फॉर गुआ शा इज सम ऑयल और मॉइस्चराइजर। तो आई प्रेफर बायो ऑयल। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट है, ये इतना बड़ा वाला पैक। और तो आई एम यूजिंग बायो ऑयल। आप मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अपने पूरे फेस पर मॉइस्चराइज करना है अच्छे से। एंड द सेकेंड टूल आई एम यूजिंग इज स्पून। यस फ्रेंड्स, मैंने आपके इसके टूल्स को बताया था स्क्रीनशॉट पे, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। बट यू नो वी आर नॉट चाइनीज़, वी आर इंडियंस, तो हम उन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते जो चाइनीज़ हैं। तो आई एम यूजिंग इंडियन टूल, स्पून। तो आपको एक बड़ा सा स्पून ले लेना है, टेबल स्पून, और इसकी स्मूथ एजेस हो, और कोई भी मॉइस्चराइज़र। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी, मतलब ऑयल अप्लाई कर लूँगी, मेरे लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैन यू सी द डिफरेंस, इट्स लाइव फ्रेंड्स, इट्स नॉट एडिट, इट्स लाइव। मैंने आपके सामने जस्ट ऑयल लगाया है और आप अभी डिफरेंस देख पा रहे हैं। एज आई ऑलरेडी सेड कि मैं स्पून का यूज़ कर रही हूँ और हमारे फेस पर 6 जोन्स होते हैं जिस पे हमें इसका यूज़ करना है। तो अपर फॉरहेड, लोअर फॉरहेड, जाइगोमेटिक, लेबियल, चिन एंड जॉ लाइन, दीज आर 6 जोन्स जिस पर हमें इसका यूज़ करना है।
तो जल्दी से मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करना है, बिकॉज यू ऑल आर सो मच यू नो इम्पेशेंट कि क्या टेक्निक है, कैसे यूज़ करना है और स्पून से कैसे की जा सकती है और स्पून से कैसे हम यंगर दिख सकते हैं, कैसे हम अपनी स्किन को ओल्ड होने से रोक सकते हैं, कैसे हम अपने चेहरे से ईयर्स को निकाल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें स्पून से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक करना है एंड फॉर 10 times। इससे फ्रेंड्स एक रेडनेस आएगी आपके चेहरे पे क्योंकि ब्लड फ्लो होगा, और अगर रेडनेस आ रही है इट मीन्स कि आपकी टेक्निक अच्छे से काम कर रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है अगर आपके चेहरे पर रेडनेस आ रही है। तो सेकंड सेक्शन, हर स्ट्रोक को आपको 10 times यूज़ करना है और अपवर्ड डायरेक्शन में ही लेके जाना है। सो अपर फॉरहेड 10 times लाइक दिस फ्रेंड्स आपको ऊपर की साइड ले जाना है, लोअर फॉरहेड 10 times एंड इसे भी हमें ऊपर की साइड ले जाना है। और देखिए फ्रेंड्स मेरे चेहरे पे रेडनेस आने लगी है, दिख रही है आपको, इस साइड नहीं है और इस साइड है। 10 times मैं आपको 10 times नहीं करके बता रही हूँ फ्रेंड्स, बट ये आपको 10 times करना है। देन ज़ाइगोमेटिक सेक्शन, लेबियल सेक्शन, अब देख रहे हैं ये रेडनेस आ रही है मेरे चेहरे पर, ये अच्छा साइन है। चिन, जॉ लाइन, लाइक दिस फ्रेंड्स ये देखिए मेरा चेहरा पूरा रेड हो गया है। सेम आपको प्रोसीजर इस साइड भी फॉलो करना है, 10 strokes ईच जोन, हर जोन में आपको 10 strokes लेना है ऐसे करके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक, और हर स्ट्रोक को ऊपर ले जाना है। तो फ्रेंड्स है ना बहुत सिंपल सी ये टेक्निक, बस इतना ही हमें करना है, एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और उनसे आपके 6 zones को अपर स्ट्रोक्स देने हैं, 10 times फॉर ईच, हर जोन पे 10 strokes देने हैं। फ्रेंड्स दो बातें याद रखनी है इसके लिए, फर्स्ट कि आप इसको रात को सोने से पहले करें क्योंकि उस टाइम आपकी स्किन जो है वो आप अपना एक्सफोलिएट कर चुके होते हैं अपनी पूरी स्किन को, आप वॉश कर चुके होते हैं, आपके फेस पर कोई डस्ट नहीं होता, बेयर स्किन होती है आपकी और ये अच्छे से वर्क करती है, और रात को आपको हील होने का टाइम मिल जाता है जो कि आपकी बॉडी पे ब्लड सेंसेशन और ब्लड फ्लोज की वजह से सेंसेशन आए हैं वो आपकी पूरी बॉडी को उसके लिए वर्क करने का टाइम मिल जाता है। तो सोने से पहले अगर आप ये करेंगे तो इट्स वेरी बेनिफिशियल, और फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे कपल ऑफ डेज में, नहीं तो विद इन अ वीक आपको इसका डिफरेंस देखने को मिलने लगेगा। यस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर आपने मुझे पहले देखा होगा और अब आप मुझे देख रहे हैं तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। So that's it for today. Bye bye.